नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल एबीटेक में। आज है 19 नवंबर 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। यहाँ पर दिया गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ, कट ऑफ पर हाईकोर्ट का फैसला सही। आप लोग जानते हैं बहुप्रतीक्षित 69,000 शिक्षक भर्ती कट ऑफ का आर्डर जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था उसको कल सुना दिया गया है और 60-65 के पक्ष में ऑर्डर दिया गया है। शिक्षा मित्रों की जो मांग थी कि भर्ती 40-45 के आधार पर की जाए उसको खारिज कर दिया गया है। राज्य सरकार के पक्ष में और बीएड अभ्यर्थियों बीटीसी अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला दिया गया है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती के फर्स्ट फेज में 31,000 शिक्षकों को ज्वाइनिंग दी जा चुकी है। जो बाकी अभ्यर्थी हैं 36,590 उनकी प्रक्रिया अभी तक बाकी है। ठीक है, तो इन अभ्यर्थियों की जो अब आगे प्रक्रिया बढ़ेगी कट ऑफ 60-65 के आधार पर ही आगे बढ़ेगी। सीएम योगी ने कल के फैसले का स्वागत किया है। वहीं पर जो बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी उन्होंने भी इस फैसले को स्वागत किया है और उन्होंने ये कहा है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास पद वैसे भी हैं, तो हम आगे वाली भर्ती में शिक्षा मित्रों को एक मौका और देंगे। देख सकते हैं यहाँ भी लिखा है शिक्षा मित्रों को अगली परीक्षा में मिलेगा एक और मौका। वहीं पर दोस्तों ये जो 37,000 शिक्षकों की भर्ती सेकंड फेज के लिए बाकी है, यहाँ पर अभी आप लोग जानते होंगे विधान परिषद चुनाव के कारण आचार संहिता लगी हुई है, तो चुनाव आयोग से पहले परमिशन मांगी गई है, उसके बाद भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सहायक अध्यापक के 37,000 से अधिक पदों पर भर्ती जल्द, और इसके लिए दोस्तों जो काउंसलिंग प्रक्रिया होगी, काउंसलिंग की सूची होगी वो जारी की जाएगी और काउंसलिंग कराने के लिए पहले निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी जाएगी। अनुमति मिल जाने के बाद काउंसलिंग आपकी करवाई जाएगी और इसके बाद आप लोगों को ज्वाइनिंग दी जाएगी। वहीं पर इस भर्ती से शिक्षा मित्र भी खुश हैं क्योंकि बहुत से ऐसा शिक्षा मित्र जिसका इस भर्ती में रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाया है, अब उनको अगली भर्ती में एक मौका और दिए जाने की बात कही गई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा है रिक्त 36,590 पदों को भरने की तैयारियाँ शुरू, शिक्षा मित्रों में जगी उम्मीद की किरण। विद्यालयों में 1,37,000 शिक्षा मित्रों में से मात्र 15,000 को अभी तक नौकरी मिल पाई है और शिक्षा मित्र मांग कर रहे थे कि 40-45 के आधार पर 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी हो, लेकिन इस भर्ती में कट ऑफ 60-65 ही लगाया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बात जरूर कही है कि इनको आगे एक आने वाली भर्ती में मौका दिया जाए, तो कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षा मित्रों में भी खुशी है, चलो इस भर्ती में नहीं तो अगली भर्ती में हमें एक मौका और मिलेगा। और दोस्तों आप लोग जानते हैं कि चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में प्रदेश सरकार शिक्षा मित्रों को तोहफा भी दे सकती है, मतलब कुछ रियायत जरूर देगी क्योंकि सरकार भी चाहती है शिक्षा इनके फेवर में ही रहें। ठीक है, तो हो सकता है इनको कुछ और मतलब इनको लाभ दिया जाए आने वाली भर्ती में। ये बात दोस्तों तय है कि जैसे 69 शिक्षक भर्ती पूरी होगी, चुनाव का समय भी है, तो इसके बाद तुरंत एक भर्ती और आएगी। ठीक है, लगभग 50,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती आएगी क्योंकि प्रदेश में देखा जाए तो 91,000 पद अभी भी खाली रहेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी होने के बाद। ठीक है, तो 50,000-52,000 या इससे ज़्यादा पदों पर भर्ती एक बड़ी भर्ती आपको देखने को और मिलेगी जिसमें शिक्षा मित्र भी शामिल रहेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा है कि सरकार इनको विचार करें, इन पर विचार करें। ठीक है, तो फिलहाल जैसे कुछ अपडेट निकल के आएगी आने वाले वीडियोस में सारी अपडेट आप लोगों को दी जाएगी। अगर बात कर लेते हैं कि जो 37,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया बाकी है कब तक पूरी होगी, तो यहाँ पर दिया गया है कि अगले माह तक हो जाएगी सभी की नियुक्ति। विधान परिषद चुनाव के कारण लागू आचार संहिता के मद्देनजर इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग जानते हैं विधान परिषद चुनाव के कारण जो आचार संहिता लगी हुई है, तो परमिशन मांगी गई है, परमिशन जल्दी मिल गई तो यहाँ पर काम जल्दी शुरू हो जाएगा। लिखा है मंजूरी लेकर के नवंबर के अंत या दिसंबर में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की तैयारी शुरू कर दी है, तो फिलहाल ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जल्दी ही आप लोगों की ज्वाइनिंग वगैरह होगी। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं, पुलिस विभाग को लेकर के अपडेट है। लिखा है पुलिस में 5,825 पदों पर भर्ती अगले माह। यहाँ पर लिखा है जेल वार्डर, फायरमैन और कांस्टेबल घुड़सवार के 5,825 पदों पर होगी सीधी भर्ती के लिए परीक्षा। दोस्तों ये नई भर्ती नहीं है, इसकी ऑलरेडी आवेदन लिए जा चुके हैं। ठीक है, आवेदन लिए जा चुके हैं, सिर्फ परीक्षा की डेट यहाँ पर जारी की गई है।
तो लिखा है ऑफलाइन परीक्षा प्रदेश के 10 जिलों में कराई जाएगी, 401 केंद्र इसमें बनाए गए हैं और जेल वार्डर फायरमैन व कांस्टेबल घुड़सवार के 5825 पदों पर जो सीधी भर्ती की परीक्षा होगी वो 19 एवं 20 दिसंबर को करवाई जाएगी। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन किए वो अपना तैयारी करते रहें, आप लोगों की परीक्षा की डेट निर्धारित है अगले महीने यानी 19 और 20 दिसंबर को आप लोगों की परीक्षाएं होंगी। एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है लेखपाल भर्ती को लेकर के, आप लोग दे सकते हैं। लिखा है लेखपाल के 10,000 पद खाली, भर्ती में रोड़ा बने अफसर। राजस्व विभाग में लेखपाल के खाली पदों पर भर्ती में आगरा, सहारनपुर, बरेली और मेरठ मंडल रोड़ा बने हुए हैं। ये चार मंडलों के नाम बताए गए हैं, ये रोड़ा बने हुए हैं। राजस्व परिषद के चेयरमैन ने नाराजगी जताते हुए इनके मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को तत्काल प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है, जबकि ज़्यादातर जिलों से प्रस्ताव आ गए हैं। वर्तमान में प्रदेश में राजस्व लेखपाल के लगभग 10,000 पद खाली हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग वर्ष 17-18, 18-19, 19-20 में लेखपालों के रिक्त पदों पर भर्ती का प्रस्ताव राजस्व परिषद से मांग चुका है। इन तीन चयन वर्षों के रिक्त पदों की संख्या लगभग 8,000 है, मगर राजस्व परिषद को आगरा, सहारनपुर, बरेली और मेरठ मंडल से रिक्त पदों के प्रस्ताव नहीं मिले हैं, जिससे परिषद संकलित प्रस्ताव आयोग को नहीं भेज पा रहा है। वहीं राजस्व परिषद में कनिष्ठ सहायक के भी काफ़ी पद खाली हैं। कानपुर नगर को छोड़कर के शेष सभी जिलों ने खाली पदों के प्रस्ताव दे दिए थे। इन जिलों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी शामिल करते हुए प्रस्ताव नए सिरे से देने के लिए कहा गया है, मगर यह कार्रवाई भी जिलों के स्तर पर लटकी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देश के बावजूद अफसरों की अड़ंगेबाजी से भर्ती आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो कहने का मतलब कनिष्ठ सहायक, यहाँ पर कनिष्ठ सहायक और लेखपालों के बहुत से पद खाली हैं। ठीक है, तो लेखपालों के लगभग 10,000 पद खाली हैं, लेकिन चार मंडलों के नाम यहाँ पर दिए हैं जो अड़ंगा लगाए हुए हैं, इन्हीं के कारण भर्ती प्रक्रिया पूरी फंसी हुई है। जैसे ही राजस्व परिषद के पास पदों का ब्यौरा आ जाता है तो सारा ब्यौरा UP SSC को भेज दिया जाएगा और वहाँ से भर्ती आ जाएगी। हालांकि UP SSC में PET की तैयारियाँ चल रही हैं, तो संभवतः ये भर्ती PET के माध्यम से ही आएगी। फिलहाल जैसा कुछ अपडेट आएगा आने वाले वीडियोस में सारा अपडेट आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। अगली भर्ती की अपडेट बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर अपडेट है TGT PGT भर्ती को लेकर के। TGT व प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन किया गया निरस्त, आप लोग जानते हैं कल माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने TGT PGT भर्ती 2020 का विज्ञापन जो 29 अक्टूबर 2020 को जारी हुआ था उस विज्ञापन को निरस्त कर दिया है। विज्ञापन में दो बड़ी वजह बताई गई है। पहली वजह तो ये है कि तदर्थ शिक्षक और फ्रेशर अभ्यर्थी दोनों के बीच जो है अंकों का जो विभाजन है वो अलग अलग है, सबसे बड़ा कारण तो वही है। दूसरा कारण यहाँ पर यह है कि बायोलॉजी को भी शामिल करना है इस विज्ञापन में, इस वजह से चयन बोर्ड ने इस विज्ञापन को निरस्त कर दिया है। नया विज्ञापन जल्द जारी करने की बात कही गई है, लेकिन अब जो TGT PGT का नया विज्ञापन जारी होगा उसमें तदर्थ शिक्षकों को मिलेगा वेटेज का लाभ। मतलब अभी तक क्या था, अगर एक नॉर्मल अभ्यर्थी TGT का कोई क्वेश्चन करता था तो उसको 4 नंबर मिलते थे, जबकि वहीं पर एक तदर्थ शिक्षक TGT का ही करता था एक प्रश्न सही तो उसको यहाँ पर 3.72 अंक मिलते थे। इस तरीके से यहाँ पर अंकों का जो विभाजन था, एक ही परीक्षा था, एक ही मतलब भर्ती थी, लेकिन अंकों का फ्रेशर अभ्यर्थी के लिए एक प्रश्न 4 अंक का था TGT में और इनके लिए एक प्रश्न जो था वो करीब 3.72 अंक का था, और इनको तदर्थ शिक्षकों को 12 अंक भी दिया गया था। तो इस वजह से यहाँ पर भर्ती का मानक अलग अलग था, तो इनके जो महाधिवक्ता साहब थे उन्होंने यह सुझाव दिया कि एक ही भर्ती में अलग अलग मानक नहीं होना चाहिए, इससे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है और भर्ती आगे चल करके फंस सकती है। इस वजह से यहाँ पर क्या किया गया कि इस पूरी भर्ती को रद्द कर दिया गया, मतलब विज्ञापन को रद्द कर दिया गया और जल्द ही एक इन सारी चीज़ों को सुधार करके एक नया विज्ञापन जारी किया जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा है संशोधित विज्ञापन जल्द वेबसाइट पर किया जाएगा जारी, प्रतियोगियों के हित को ध्यान में रखते हुए लिया गया ये निर्णय। तो यहाँ पर अब चयन जो तदर्थ शिक्षक है उनको भी वेटेज का लाभ मिल पाएगा। अब जो नंबरों का अंतर था वो अंतर को दूर किया जाएगा और फ्रेशर अभ्यर्थियों के लिए और तदर्थ शिक्षकों के लिए एक जैसे ही अंक यहाँ पर निर्धारित करके दिए जाएंगे। हो सकता है विज्ञापन अलग अलग जारी हो, इसका फ्रेशर का अलग और तदर्थ का अलग, या फिर अगर विज्ञापन एक साथ ही जारी होता है तो अंकों का जो विभाजन है वो समान होना चाहिए। इस तरीके से विज्ञापन जारी होगा, साथ में बायोलॉजी को भी इसमें ऐड किया जाएगा। और भी कई देखा जाए तो जो पुराना विज्ञापन था 29 अक्टूबर 2020 वाला, उसमें कई सारी गड़बड़ियाँ थी, जैसे EWS की स्थिति को लेकर के अभ्यर्थी
कंप्लेंट कर रहे थे, कंप्यूटर वैकेंसी को लेकर के भर्ती आंदोलन कर रहे थे, बायोलॉजी मैटर था ही, फार्म करेक्शन का मैटर था, ठीक है। तो इस तरीके से कई सारी इसमें जो अभ्यर्थी कंप्लेंट कर रहे थे, शायद चयन बोर्ड इन पर भी विचार करे और आगे वाले विज्ञापन में इन सारी चीज़ों पर स्थिति स्पष्ट कर दे। लोक सेवा आयोग की बात कर लेते हैं, लिखा दिसंबर में आयोग की महत्वपूर्ण परीक्षाएं होनी है। बात करें कौन कौन सी परीक्षाएं हैं, तो यहाँ पर लिखा खंड शिक्षा अधिकारी की जो मुख्य परीक्षा है वो 309 पदों पर होगी, 4256 अभ्यर्थी इसमें सफल पाए गए हैं। और इसकी जो मुख्य परीक्षा है खंड शिक्षा अधिकारी की वो लगभग 19 दिसंबर के आसपास होनी है, सॉरी 19 नहीं 6 दिसंबर को होनी है खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा, ठीक है। जबकि दूसरी परीक्षा है सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा की परीक्षा, ये परीक्षा 13 दिसंबर को होगी। और इसके बाद अगली परीक्षा आर ओ ए आर ओ 2016 की मुख्य परीक्षा, ये 22 दिसंबर को होगी। तो दिसंबर में तीन बड़ी मुख्य परीक्षाएँ लगी हुई हैं और इसके लिए कुछ ऐसे अभ्यर्थी जो तीनों परीक्षाओं में ही बैठ रहे हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं अभ्यर्थियों के लिए। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की, तो लोक सेवा आयोग को ही लेकर की अपडेट है। लोक सेवा आयोग ने कंप्यूटर सहायक भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया है। कल 13 पदों पर यह भर्ती हो गई थी, होनी थी, तो इसमें कल फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया। इस तरीके से लोक सेवा आयोग को 13 कंप्यूटर सहायक मिल गए हैं। तो ये हो गई दोस्तों आज की अपडेट। और हाँ, अंत में एक अपडेट और है आप लोगों के लिए कि आज से बीएड की काउंसलिंग शुरू हो रही है। ये काउंसलिंग आप लोग हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com के माध्यम से करवा सकते हैं, वहाँ पर लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। आपको बता दें पहले चरण में एक रैंक से लेकर के 50,000 रैंक तक के अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। 19 नवंबर से पंजीकरण शुरू हो जाएगा, 20 नवंबर से कॉलेज की चॉइस फिलिंग होगी, 24 नवंबर को आवंटन किया जाएगा, इसके बाद 25 से 27 नवंबर तक सीट कन्फर्मेशन और फीस पेमेंट होगा। इस तरीके से पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, चार चरणों में काउंसलिंग पूरी की जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग जो भी इंटरेस्टेड हैं, चाहे जिन्होंने इसमें आवेदन किया है, वो लोग अपना काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें आज से। तो ये हो गया आज का वीडियो, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।